हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने बहुत सारी कंट्रीज के जो है कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर लिए हैं, बट आज हम एक और कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने वाले हैं, दैट इज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो आज हम बेसिकली देखने वाले हैं द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसे हमारा जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे डेवलप हुआ, पहले क्या था क्या नहीं था, वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई ऑलवेज से दैट कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक, द पर्टिकुलर नेम ऑफ दैट टॉपिक। तो उस टॉपिक का जो अपना नेम है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो हम सबसे पहले समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब। आई नो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आपको मेरी प्रीवियस वीडियोज में भी बता रखा है, बट इन केस अगर कोई नया है, कोई पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए मैं वापस एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर देती हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज, राइट्स, ड्यूटीज, फ्रीडम, ये सब लिखी हुई होती है, उससे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली इट इज काइंड ऑफ अ गाइड बुक कि हाउ टू गवर्न अ कंट्री, हाउ टू रन अ कंट्री, उसकी गाइड बुक होती है कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपको कैसे कंट्री को रन करना है, कैसे गवर्न करना है एक नेशन को। तो एक गाइड बुक की तरह काम करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने क्या बोला कि सिटीजन्स की क्या राइट्स है, ड्यूटीज है, क्या फ्रीडम है, क्या लॉज है, बेसिकली क्या उन पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लग रखे हैं, या गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हुई भी होती है। तो दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आज बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन की, और जैसे कि मैंने आपको बोला था दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम वही देखते हैं कि क्या हुआ था, क्या पहले ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट नेशन था या नहीं था, वो सब चीज़ हम देखने वाले हैं। सो इसको हम एक स्टोरी की तरह समझते हैं तो ज़्यादा आपको क्लेरिफिकेशन होगा। सो क्या हुआ था, 1901 से पहले ऑस्ट्रेलिया एक नेशन नहीं था, इट वॉज रादर 6 ब्रिटिश कॉलोनीज, वो 6 ब्रिटिश कॉलोनीज थी, एक कंप्लीट नेशन नहीं था, ठीक है। एंड इट वॉज अंडर द लॉ मेकिंग पावर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ओके। सो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे उन कॉलोनीज के, वो लोग क्या करते थे, वो लोग मिलते थे और ये डिस्कस करते थे कि हमको क्या करना चाहिए, कि जो 6 ब्रिटिश कॉलोनीज है इनको मिलके जो एक नया नेशन फॉर्म करना चाहिए। तो इसके लिए जो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी डेवलप हुआ। अब जब वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ तो उसके लिए क्या हुआ करता था कि स्पेशल मीटिंग्स हेल्ड हुआ करती थी, जिसे बोला जाता था कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, ठीक है, जिसमें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट के ऊपर वर्क किया जाता था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा, क्या उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ों पर वर्क किया जाता था। तो फिर हर एक कॉलोनी ने क्या किया, रेफरेंडम हेल्ड करा सो दैट पीपल कैन वोट अ यस और नो फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि उनको यस में वोट करना है या नो में वोट करना है नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो चीज़ वो लोग वोट कर सके, लोग वोट कर सके, ठीक है। अब ये रेफरेंडम का मतलब क्या होता है वो चीज़ अब हम समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हर एक कॉलोनी जो है रेफरेंडम हेल्ड करती थी, अब ये रेफरेंडम का मतलब क्या होता है वो चीज़ हम समझते हैं। ये मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत बार बता रखा है, इन केस अगर आपने वो वीडियोस देखी है तो आपको पक्का से पता होगा दैट व्हाट इज रेफरेंडम, बट इन केस अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको बता देती हूँ दैट व्हाट इज रेफरेंडम। सो रेफरेंडम इज बेसिकली वन ऑफ द टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक टूल है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि लोगों के पास एक डायरेक्ट वोट है कि वो किसी भी पर्टिकुलर प्रपोजल को या तो अप्रूव कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट पावर है वो लोगों के पास है, कोई भी पर्टिकुलर प्रपोजल है वो डायरेक्ट लोगों के पास जाता है, और लोग जो है डायरेक्ट वोट करते हैं कि उनकी तरफ से हाँ है या ना है उस पर्टिकुलर प्रपोजल के लिए, कि उन्होंने उस प्रपोजल को अप्रूव करा या फिर रिजेक्ट करा, तो वो चीज़ में। तो कुछ सालों के बाद और कुछ चेंजेस के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया जो है एक नेशन बन गया, ओके। फिर इसे जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास भेजा गया एंड पास कराया गया एज कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। तो अब ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये फाइनली जो है इफेक्ट में आया ऑन जनवरी 1901 में जो है ये फाइनली इफेक्ट में आया एंड हमारा ऑस्ट्रेलिया अब जो है एक नया नेशन बन चुका था।
अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या डिस्क्राइब करता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है कि कैसे फेडरल पार्लियामेंट को वर्क करना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा क्या रोल है गवर्नमेंट का, क्या रोल है हाई कोर्ट का, तो ये सब चीज़ें जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है। इन केस कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कुछ इश्यूज पे अगर डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं तो ये हाई कोर्ट का रोल है कि वो क्या प्रोवाइड करेगा, इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन की और उनके लॉज की कि उनका क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या मीनिंग है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाई कोर्ट की। तो ये फिर जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये 8 chapters में डिवाइडेड है एंड वो 8 chapters डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है एंड वो क्या बताते हैं बेसिकली, एंड वो सेक्शंस जो है डिफरेंट डिफरेंट पावर्स को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं एंड वो सेक्शंस क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पावर्स को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। तो इससे अब आप मुझे बताइएगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स है। सो फटाफट से पॉज दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स है, ओके। एंड डोंट वरी, इनकेस अगर आपको नहीं मिलता है, नहीं कहीं से पता कर पाते हो आप मेरे इन क्वेश्चंस का, तो आप मेरे को कमेंट करके ये बता सकते हो कि हमें ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, सो विल यू प्रोवाइड दैट आंसर। तो डेफिनेटली आई विल, बट मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछती हूँ कि अपन जब कोई चीज़ सर्च करते हैं, कोई चीज़ ढूंढते हैं ना खुद से, तब अपन को वो चीज़ हमेशा के लिए याद रहती है, तो इस वजह से मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ। बट फिर भी अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर ना मिले या आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका आंसर क्या हुआ, देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई अश्योर यू कि मैं आपको पक्का से बताऊंगी कि उसका क्या आंसर होगा या क्या नहीं होगा। बट प्लीज़ कोशिश कीजिएगा ये चीज़ एक बार खुद से ढूंढने का, आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद रहेगी, इस वजह से मैं ये क्वेश्चंस पूछती हूँ, ओके। चलो, तो अब ये जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें चेंजेस लाना इतना भी ईजी नहीं है, इतने ईजी अमेंडमेंट्स नहीं होते हैं इसमें। हमें जो है नेशन वाइड रेफरेंडम करना पड़ता है, पूरे नेशन में जो है रेफरेंडम करना पड़ता है और लोगों से पूछना पड़ता है that whether you are approving or rejecting that particular amendment। तो basically हमें वो एक नेशन वाइड रेफरेंडम करना पड़ता है एंड अमेंडमेंट लाने के लिए मेजोरिटी चाहिए होती है ऑस्ट्रेलियन वोटर्स की एंड मेजोरिटी चाहिए होती है इन एटलीस्ट 4 states। ऑस्ट्रेलिया में 6 states है, उसमें से एटलीस्ट 4 states की मेजोरिटी चाहिए होती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट लेके आना है तो। तो अगर अभी तक हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 1901 से लेके अभी तक जो है 8 amendments हुए हैं टोटल। सो दैट वॉज द मेन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनकेस अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज या डाउट्स रहते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है, एंड फिर से यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है दैट वो 6 states के नेम क्या है ऑस्ट्रेलिया के, ये चीज़ भी ज़रूर पता करना। एंड फिर से यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि जो ऑस्ट्रेलिया में 6 states है उनके नाम क्या है, तो वो भी प्लीज़ मुझे बताना, ओके। सो आई होप आपको ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर हुआ हो। बट इन केस फिर भी आपके कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स रहते हैं, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट। एंड इन केस अगर थोड़ी सी भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हुई हो या कोई भी पॉइंट समझ में आया हो, तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। एग्जाम्स आर कमिंग, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, ओके। एंड अपने फीडबैक्स देते रहिएगा कि आपको कहाँ पे लगता है मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, या मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ, या मुझे नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो लेके आनी चाहिए, या मेरी क्या चीज़ समझ में आ रही है या क्या नहीं आ रही है, तो प्लीज़ अपने फीडबैक्स देते रहिएगा। एंड या डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस एंड डोंट फर्गेट टू हिट दैट बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर।